अस्सलाम वालेकुम, मैं विरासत रियल इस्टेट के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मुझे इनके साथ काम करते हुए तकरीबन 2 से 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है और मैं जो हूँ इनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। मैंने और भी रियल इस्टेट के साथ काम किया है, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगी है वो विरासत ही लगी है। खासतौर पर जो मेरा जो मैं जिनसे रबते में हूँ, इनके उसामा भाई होते हैं बहुत अच्छे, और वो काफ़ी यानी कि जब भी आप उनसे कांटेक्ट करेंगे आपको रिस्पांस मिलेगा। इवन के उनके बॉस से भी मेरी फ़ोन पर बात हुई, जब भी कोई इश्यू हुआ या कोई डिस्कशन करनी पड़ी उस हवाले से कि जैसे कोई भी प्रॉपर्टी अगर लेनी है तो उसके हवाले से कोई भी अपनी तसल्ली के लिए कि क्या उसका बैकग्राउंड है, तो वो बड़ा क्लियरली उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने उनके साथ काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इवन के वो जिस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अलावा भी वो जिसमें नहीं भी करते, और अगर मेरा उस पर इंटरेस्ट होता है तो वो मेरे लिए वर्किंग करके मुझे उसकी पूरी बताते हैं, उसकी फिजिबिलिटी और उसका स्टेटस NOC के बारे में और उसका फ्यूचर, इसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा मैं जो हूँ क्योंकि मैं दूर होता हूँ, बाहर होता हूँ, तो मुझे नहीं पता होता कि क्या उधर कौन सी सोसाइटी कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लूवर्ड सिटी, किंगडम वैली, लाहौर स्मार्ट सिटी, अर्बन सिटी, ग्रीनोकैन फार्म हाउस, ये सब विरासत ने ही मुझे इसमें जो है वो इन करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेरी मेच्योर भी हो गई हैं और कुछ चल रही हैं मेच्योरिटी की तरफ। तो खैर, इन शॉर्ट मुझे सबसे ज़बरदस्त जो है वो विरासत रियल इस्टेट ही लगी है, और मैं इसको रिकमेंड करूँगा, और आने वाले जितने भी इन्वेस्टर हैं जो इसमें पाकिस्तान में इस तरह सरमायाकारी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है इलेक्शन के बाद, और दूसरा जो कि एक मज़बूत इदारा होता है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं किसी भी शहर से, किसी भी मुल्क से, किसी भी जगह से, तो वो है विरासत। तो विरासत को ज़रूर टच कीजिए, और उसामा भाई को भी टच कीजिए, मैं उनका बड़ा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हर वक्त जो भी चीज़ हैं ऑन टाइम करके दी हैं। थैंक्स अ लॉट, और खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।